लेकिन दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मॉइस्चर बैलेंस के बारे में बताऊंगा। शिमाज़ु के मॉइस्चर बैलेंस अगर किसी वजह से ख़राब हो जाए या वो पावर अप ना हो तो किस तरह करेंगे, ये देख रहे हैं। मॉडल नंबर MOC-120H, ये एक डेट मॉइस्चर एनालाइज़र है, मॉइस्चर बैलेंस है दोस्तों। ये बैलेंस पावर अप पे ऑन नहीं हो रहा है। अब हमने इसका वो फॉल्ट को तलाश करना है और वो देखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लें आपके सामने, ये पावर के बटन मैं ऑन करूँगा, ठीक है। ये देखें, ये पावर की बटन है। इस पावर के बटन को दोस्तों अभी देख लें, मैंने ये ऑन कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, कोई डिस्प्ले नहीं है, ये डेड है, ठीक है ना, कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये मॉइस्चर बैलेंस बिल्कुल ही डेड है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसको डिसमेंडल का तरीका देख लें। सबसे पहले इस स्क्रू को आपने लूज़ करना है, ठीक है ना। ये पेन के जो स्टैंड है, इस स्टैंड के इस स्क्रू को आपने लूज़ कर लेना है, ठीक है। इसको खोल लेना बाहर, फिर इस आइटम को भी आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरीके से ये देख लें, ये दो तरफ ये जो है, ये इस यूनिट को भी आपने बाहर निकाल लेना है इसके, ठीक है। अब ये बिल्कुल ये फ्री हो गया इसके लोअर पार्ट से, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ये देख लें, ये स्क्रूओं को लूज़ करके खोलना है। एक ये स्क्रू है, ठीक है दोस्तों, एक ये स्क्रू दो है, ठीक है ना। और ये दो स्क्रू आप अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। ये दो स्क्रू को आपने लूज़ करना है। इसके बाद ये बैक साइड पे बटन के पास एक ये स्क्रू है और एक ये दूसरा स्क्रू है, ठीक है। ये टोटल चार स्क्रू है। इन चार स्क्रूओं को आपने लूज़ करके खोल लेना है और उसके बाद आपने आगे इसे डिसमेंडल कर देना है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है दोस्तों, आप ये देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से डिसमेंडल कर सकें। डिसमेंडल के बाद आप अंदर जा कर इसे कंपोनेंट्स को तलाश कर सकें कि कहाँ पे क्या मसला है और क्या फॉल्ट है, इस फॉल्ट को आप देख सकें, ठीक है ना दोस्तों। इन स्क्रूओं को आपने लूज़ कर लिया। इसके बाद ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसको लूज़ के बाद ये देखें, ये मैंने ऊपर का टॉप कवर को खोल लिया इसका, ठीक है। इसका ये टॉप कवर है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लें आप। ये इसका डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है दोस्तों। बाकी सारी कंपोनेंट्स को आप अच्छी तरीके से देख लें, लेकिन ये जो पावर सप्लाई है दोस्तों, इस पावर सप्लाई को हमने चेक करके देखना है कि आया इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये पावर अप पे कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लें, ये इसका डिस्प्ले के पे जो है ना, ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है दोस्तों। इसको अपने जैक पिन को डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट के बाद आपने इसे बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने चेक करके देखना है, ये इसकी पावर सप्लाई है, पूरे यूनिट को ये पावर सप्लाई करता है दोस्तों। ये देख लें, अब इस पर वो अच्छी तरीके से मैं चेक करूँगा, चेक करके देखूँगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसे चेक करने पे हमने यही पाया कि इसके ये दो कैपेसिटर जो ये शॉर्ट थे, ये दोनों कैपेसिटर को मैंने सेम वैल्यू से तब्दील कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। ये अब देख लें, इसके ये दो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर जो है ये ख़राब है। इन दोनों कैपेसिटर को आपने चेंज कर देना है, ठीक है। ये देख लें, ये नए से चेंज कर दिया मैंने, ये दोनों कैपेसिटर को इसको क्लीन भी कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से देख लें, इसका ये पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इस पावर सप्लाई यूनिट को अब मैं दोबारा इंस्टॉल करके चेक करके देखता हूँ क्या है, ये
डेड मॉइस्चर बैलेंस ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये नहायत ही आसान सा तरीका है जो कि मैंने आपको दिखाया। इस तरीके को आप अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आसानी के साथ आप रिपेयर कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं इसे पहले पावर अप करके देखूँगा कि आया ये पावर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, ये बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये बटन को, ये मैंने प्रेस किया, ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है ना दोस्तों। ये डिस्प्ले आ गया, इसका मकसद है कि हमारा जो खराबी या फॉल्ट था वो इस पावर सप्लाई यूनिट के अंदर ही था, ठीक है ना दोस्तों। इस पावर सप्लाई के देख लें एलईडी भी ऑन है, ठीक है। अब मैं इसे ऑफ़ करके फिट कर दिया। अब फिट करने के बाद दोस्तों अब मैं इसे ऑन करके देख रहा हूँ, ये देख लें अब दोस्तों, ये थोड़ा एक दो चार जो ये जो पॉइंट जो आगे पीछे हो रहे हैं ये टेयर वाली बटन से अपने से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये टेयर की बटन है, इस बटन को अपने प्रेस करना है, ठीक है। ये प्रेस कर देंगे आप टेयर बटन को तो ये डिस्प्ले जो आगे पीछे आ रहा है भाग रहा है ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये अच्छी तरीके से देख लें, इसको समझ लें, ठीक है। ये टेयर के बटन को आपने प्रेस करना है, टेयर के बटन को प्रेस के बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से देख लें ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब अच्छी तरीके से देख लें दोस्तों, ये हमारा डेड मॉइस्चर बैलेंस जो कि पावर सप्लाई की वजह से ख़राब था वो पावर सप्लाई रिपेयर होने के बाद ये सही हो गया और ये बिल्कुल स्टेबल भी है, इसके अंदर कोई फॉल्ट कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। ये हमारे ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है ना दोस्तों, कि इसका तरीकाकार क्या है जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।